हेलो दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में इग्नू की बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में बात करने वाला हूं जो इग्नू के हर एक स्टूडेंट्स के लिए है। दोस्तों इग्नू का जून 2023 टर्म एग्जामिनेशन के लिए एग्जाम पोर्टल ओपन कर दिया गया है। फ्रेश स्टूडेंट बैक आई थी जिनके उनके सभी के लिए जो है एग्जामिनेशन पोर्टल को ओपन कर दिया गया है और इसमें कुछ बदलाव भी किए गए हैं जो काफी इम्पोर्टेंट है सभी स्टूडेंट्स के लिए, वो जानना कि आगे अब क्या बदलाव हो चुका है। तो ध्यान से देखिएगा, काफी जो है इम्पोर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन फॉर्म, तो इसको आपको ध्यान से देखना है विदाउट स्किप किए, जो कि मैं डिटेल में समझाने वाला हूं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सभी ऑफिशियल अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इग्नू से रिलेटेड जो भी अपडेट दूं उसका नोटिफिकेशन इंस्टेंटली आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इग्नू की मेन वेबसाइट पे अभी इसको जो कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं 8:15 बज रहे हैं अभी करंट में, तो अभी तक अपडेट यहां पे नहीं डाला, बट इसको जो है एग्जाम पोर्टल पे अपडेट कर दिया गया है। मेरी वेबसाइट पे आके आप डायरेक्टली इसको खोलेंगे तो यहां पे फर्स्ट पेज पे ही मिल जाएगा। यहां पे मैंने डाल दिया है, इस पे क्लिक करके नीचे आएंगे तो यहां पे आर्टिकल्स भी मैंने लिखा है और यहाँ पे डेट वगैरह सब कुछ मेंशन कर दिया गया है। यहाँ पे क्लिक करके आप फॉर्म को ओपन कर सकते हैं। बेसिकली फॉर्म ओपन है, इस पे इंपॉर्टेंट नोट्स दिया गया है। इसमें नोट्स में यही बताया गया कि कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो पॉइंट वाइज मैं बता देता हूँ, छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ आप लोगों को। वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने मास्टर बैचलर के जुलाई 2022 सेशन में एडमिशन लिया है या फिर री रजिस्ट्रेशन कराया है या थर्ड ईयर में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है बैचलर वाले, वो सभी स्टूडेंट एलिजिबल है। वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने जुलाई 2022 सेशन में डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा में एडमिशन लिया है, वो सभी स्टूडेंट जो अभी करंट सेशन चल रहा है जनवरी 2023 सेशन का एडमिशन चल रहा है, जिन्होंने सर्टिफिकेट और पीजी सर्टिफिकेट में एडमिशन लिया, वो सभी स्टूडेंट। और एक सबसे इम्पोर्टेंट फोर्थ पॉइंट, वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने जो है अपना एग्जाम मिस कर दिया है, किसी कारणवश नहीं अपियर हो पाए हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से रह गए थे, पिछला एग्जाम नहीं दे पाए हैं, वो सभी स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं और वो सभी स्टूडेंट भरेंगे। एडवाइस दिया गया है कि जिन्होंने दिसंबर का टर्म एग्जामिनेशन दिया है, अभी उनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं है, मान लीजिए 10 एग्जाम दिए, 5 एग्जाम दिए, 6 एग्जाम दिए, कुछ रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं, कुछ अभी पेंडिंग है, तो एग्जाम फॉर्म ओवर होने से पहले वो एग्जाम फॉर्म भर देंगे, ये एडवाइस दिया गया। बाद में उसको चांस नहीं दिया जाएगा, ये आगे पॉइंट पे भी मेंशन किया गया है। तो अब जो एग्जाम फॉर्म चलने वाला है वो आपका जो है विदाउट लेट फीस जो है एग्जाम चलेगा 6 मार्च से जो की आज से 5 अप्रैल तक, और यहाँ पे सबसे ऊपर मेंशन कर दिया गया है लास्ट डेट विदाउट लेट फीस का 5 अप्रैल तक, ठीक है। 6 यहाँ पे 18 PM मतलब 6 बजे तक, ध्यान रखिएगा पिछली बार 6 बजे बंद कर दिया गया था, बहुत सारे स्टूडेंट 12 बजे का इंतजार कर रहे थे। और जो एग्जाम होने वाला है वो 1 जून से 6 जुलाई तक वर्किंग डेज में होगा, इसलिए आगे जुलाई में भी किया क्योंकि संडे वगैरह का छुट्टी रहता है, तो इसलिए 30 दिन में आपका एग्जाम खत्म होगा वर्किंग डे में छुट्टियों को छोड़ के। अब यहाँ पे शेड्यूल दिया गया है, शेड्यूल में ही बदलाव किया गया। बदलाव क्या किया गया थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। पहला कॉलम एक दिया गया है जिसमें ये लिखा गया है कि प्रिस्क्राइब्ड फी फॉर स्टूडेंट एडमिटेड बिफोर जनवरी 2023, मतलब कि जो भी स्टूडेंट जनवरी 2023 से पहले के एडमिशन लिए हुए वो कॉलम ये उनके लिए है। और दूसरा कॉलम जो है वो स्टूडेंट है जो अभी करंट सेशन चल रहा है जनवरी 2023 सेशन का और ऑनवर्ड्स आगे जो एडमिशन लेंगे उनके लिए जो बदलाव किया गया करंट से, मतलब ये जनवरी 2023 सेशन से अब आगे के लिए क्या फीस होने वाली है। बेसिकली मैं यहीं पे एक बात क्लियर कर दूं, जो एग्जामिनेशन फीस है जो पर सब्जेक्ट फीस भरते हैं आप जनरल कोर्सेज की, वो ₹200 पर सब्जेक्ट है दोनों ही कॉलम के लिए। बदलाव कहां किया गया है, केवल प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट फीस में। वो किनके लिए प्रोजेक्ट फीस और प्रैक्टिकल फीस है, वो उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी, ध्यान से सुनिएगा, जो अभी जनवरी 2023 सेशन चल रहा है, जो स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं फिर अब आगे लेंगे, उन सभी के लिए प्रैक्टिकल फीसेस में बदलाव किया गया है, जो कि है 4 क्रेडिट का जो प्रैक्टिकल जो होगा वो ₹300 भरेगा और जो सब्जेक्ट 4 क्रेडिट से ज्यादा का रहेंगे उनके 500 लगेंगे। सेम उसी तरीके से प्रोजेक्ट के लिए है, जो 4 क्रेडिट का रहेगा वो 300, जो 4 क्रेडिट से ज्यादा का रहेगा वो ₹500 पर सब्जेक्ट। ये हो गया दूसरा कॉलम, मैंने समझा दिया। बाकी जनवरी 2023 से पहले के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए कोई भी बदलाव नहीं किया गया, सिवाय एक कॉलम और ऐड करने के कि दूसरा वाला है जो कि एक और फेज बना दिया है कि इसमें जो है लेट फीस कुछ दिन तक ₹500 लगेगी, फिर उसके बाद 1100। पहले क्या डायरेक्ट ₹1100 लेट फीस लगने लग जाती थी। तो कुछ नहीं है, 6 मार्च से 5 अप्रैल तक दोनों के लिए सेम वही है, जो कि नए के लिए यहां पे कोर्स फीस सेम रहेगी, कोई बदलाव नहीं है, दोनों ही कॉलम के लिए ₹200 पर सब्जेक्ट कोर्स फीस रहेगी विदाउट लेट फीस। दूसरे कॉलम में 6 अप्रैल से 25 अप्रैल तक दो
₹1200 कोर्स की फीस रहेगी रहेगी, प्लस ₹500 लेट फीस लगेगा। सेम वैसे ही बाकी कोर्स की फीस ₹200 रहेगी, प्रैक्टिकल का 300-500 रहेगा ही रहेगा, ₹500 लेट फीस और लगेगा। और तीसरा कॉलम जो मेंशन किया गया है उसमें जो है ₹200 पर कोर्स फीस तो रहेगी रहेगी जब तक ऑनवर्ड्स, जब तक आपका एग्जाम फॉर्म पोर्टल ओपन रहेगा, प्लस ₹1100 लेट फीस लगेगा। सेम वैसे ही बेसिकली जो दूसरा कॉलम है उसमें केवल सर्टिफिकेट्स और पीजी सर्टिफिकेट्स वाले ही आएंगे, तो वो ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट। इसके पहले के कोई भी चेंजेस नहीं है, बस एक फेज है जो कि यहाँ पे ₹500 लेट फीस का लगाया गया है। तो और भी डिटेल में समझना है तो आगे वीडियो बना दूंगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में भी आप लोग पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में एडमिशन सेशन जरूर मेंशन कीजिएगा, तब मैं बता पाऊंगा एग्जैक्टली आपकी क्या फीस लगने वाली है, अगर समझ में नहीं आया होगा तो। बाकी दोस्तों सारी कहानी सेम है, इसमें बस पहले आओ पहले पाओ वाला हिसाब किताब और एक मेंशन किया गया है कि जल्दी से जो अपना एग्जामिनेशन सेंटर चाहते हैं नजदीकी, वही अगर जल्दी चाहते हैं तो आप जल्दी एग्जामिनेशन फॉर्म भर दीजिए ताकि आपका नजदीकी सेंटर मिल जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट एक बात यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि अगर आप दिल्ली के हैं या फिर देहरादून के हैं या फिर आप किसी भी रीजनल सेंटर के हैं, मान लीजिए आप बेंगलोर के स्टूडेंट हैं, आप चले गए देहरादून, अब देहरादून में ही स्टे कर रहे हैं, तो वहां अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो वहां का सेंटर चूज करके वहां एग्जाम दे सकते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास। बाकी कुछ राइट्स यूनिवर्सिटी रखती है जैसे कि एग्जाम सेंटर चेंज करने का किसी भी रीजन की वजह से, वो चेंज हो सकता है, तो इसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा, हालांकि सबका चेंज नहीं होता है। बाकी कहानी सेम है दोस्त, वही कुछ चेंजेस नहीं है, लेकिन एक चीज ये मेंशन किया गया, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है हर बार, इस बार भी मेंशन किया गया है कि जो एग्जाम सेंटर में आप जो है एग्जाम सेंटर में जो आंसर स्क्रिप्ट मिलेगी उसमें कोई भी रीजनल लैंग्वेज नहीं लिखना है, नहीं तो आपका आंसर स्क्रिप्ट इवेलुएट नहीं किया जाएगा। अगर प्रोग्राम हिंदी में है तो हिंदी में लिख सकते हैं या फिर इंग्लिश में लिख सकते हैं, इंग्लिश में है तो हिंदी में लिख सकते हैं, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है। और पीस ऑफ एडवाइस एक दिया गया है कि ₹2022 टर्म एग्जामिनेशन में जिन भी स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है अगर उनका रिजल्ट कुछ पेंडिंग है तो एग्जाम फॉर्म रहते हुए, मतलब एग्जाम फॉर्म पोर्टल बंद होने से पहले एग्जाम फॉर्म भर लें, नहीं तो बाद में चांस नहीं दिया जाएगा, इतना एडवाइस दिया गया है। मैं भी एडवाइस करूंगा आप लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर भर लीजिए, अगर एक दो सब्जेक्ट रहता है तो अपना नजदीकी एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर लीजिए, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, पास हो जाते हैं तो एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। आगे कुछ चीज जो है मेंशन किया गया है, अगर एग्जामिनेशन फॉर्म भरते वक्त आपका कुछ इशू आता है, जो मेन पॉइंट है वही मैं कवर अप कर रहा हूं, अगर आपका पोर्टल में लॉग इन नहीं हो रहा है, आपके सब्जेक्ट्स नहीं दिखा रहे हैं, के लिए रजिस्ट्रार srd@ignu.ac.in स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन होता है बेसिकली ये, तो यहाँ पे आप ईमेल करिए, यहाँ पे फोन नंबर दिया है, फोन नंबर पे आप बात कर लीजिएगा। एग्जामिनेशन फीस एक बार पे हो गई तो एडजस्ट वगैरह रिफंड वगैरह नहीं होगी, इस चीज को हाईलाइट कर दिया। फीस अगर पे करते वक्त कोई इशू आ जाता है तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा 72 घंटे तक, हो सकता है कई बार अपडेट नहीं होता है तो इंतजार करेंगे तो हो जाएगा। और यहाँ पे एक सर्च ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे आप जो है अपना स्टेटस वगैरह भी चेक कर सकते हैं, इस पे क्लिक करके यहाँ पे अपना एनरोलमेंट नंबर डाल दीजिए और डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, यहाँ पे सबमिट कीजिए, या फिर पेमेंट स्टेटस चेक करना है तो यहाँ पे क्लिक करके अपना एनरोलमेंट नंबर डाल के यहाँ पे सबमिट करेंगे तो पेमेंट स्टेटस भी आपको पता चल जाएगा। दूसरा सर्च ऑप्शन दिया जाता है नीचे, यहाँ पे देखिए क्लिक हियर टू अपना एग्जामिनेशन सेंटर, कोई भी आपका जो है एग्जाम सेंटर है तो आप देखना है कौन से एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको एग्जाम भरना है, क्या कितना नजदीक है, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करने के बाद सबमिट कीजिए, यहाँ पे डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कौन सा स्टडी सेंटर कहाँ एग्जामिनेशन सेंटर कितना नजदीक है कितना दूर है। इस तरीके से सभी अपना एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हैं, देख सकते हैं कितना नजदीक है, कौन कौन सा अभी एग्जामिनेशन सेंटर बनाया गया है, तो इससे आपको एग्जैक्ट लोकेशन का पता चलेगा ताकि आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर आसानी से चूज कर पाए। और एग्जामिनेशन सेंटर चेंज नहीं होगा तो उसको ध्यान से आप देख लीजिएगा, कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर ऐसा मत चूज कीजिएगा बाद में आपको प्रॉब्लम हो। हॉल टिकट इशू करने के लिए बोला गया कब होता है, तो उसमें 5 से 7 दिन पहले एग्जामिनेशन के जो है हॉल टिकट इशू कर दिया जाता है, इग्नू की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाता है, को आप देख लीजिएगा, जैसी अपडेट होगा वो आप चैनल पे बने रहेंगे तो मैं अपडेट कर ही देता हूं। और कोई क्वेरी है, कोई एक्सेस फीस वगैरह एग्जामिनेशन रिसिप्ट वगैरह का है तो यहाँ पे जो है termandexam@ignu.ac.in कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे मेंशन किया गया, उसको कर सकते हैं। और अब बस जस्ट डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है, प्रोसीड करना है, एग्जाम फॉर्म का ओपन हो जाएगा, यहाँ पे अपना एनरोलमेंट नंबर प्रोग्राम सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करते ही आपका रीजन चूज करना है किस रीजन में देना चाहते हैं, यहीं से चूज होता है रीजन, तो यहाँ से चूज कर लीजिए जो आपका रीजन हो या नहीं भी है, अगर जहाँ पर आप स्टे कर रहे हैं वहाँ का रीजन चूज करके एग्जाम दे सकते हैं, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी इग्नू देता है। कैप्चा कोड डाल के सबमिट कीजिए, एग्जाम फॉर्म भरिए, स्टेटस चेक कीजिए, बाकी का आगे का प्रोसेस मैं किसी एनरोलमेंट नंबर के थ्रू आपको डिटेल में दे दूंगा। अब कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और कोई कंफ्यूजन है तो उसके लिए भी लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा कैसे एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपसे कोई गलती ना हो, हालांकि गलती अब नहीं होगी, बस एग्जामिनेशन सेंटर चूज करिए, एग्जाम फॉर्म सब्जेक्ट चूज करके एग्जाम फॉर्म भर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।